हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैवेल्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 9 अक्टूबर 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हैवेल्स में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन 0.84% का नेगेटिव मूव, 1399.45 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक पर बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं मंडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे मंडे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से भी कम हमें वॉल्यूम देखने मिला। कैंडल यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज की बॉडी बनी है, दोनों के साइड में छोटी छोटी विक हमें देखने मिल रही है। आरएसआई की बात करें, आरएसआई हमारा आ चुका है 53-54 के आसपास, जो स्लाइट एक नेगेटिव मूवमेंट का इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें कंसीडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है पॉजिटिव मूव का एक्सपेक्टेड है। अपसाइड मूव जो है अराउंड 14-12 के आसपास देखने में, उसको भी क्रॉस करते हुए इजी मूव हमें 14-33 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में यहाँ पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा और वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं हमें क्या देखने मिलने वाला है मंडे के दिन। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जरूर यहाँ पे जो है वो मार्क्ड है, लेकिन डिफरेंट डेटा बना उसके बेसिस मुझे मार्किंग में जो है चेंजेस करने हैं। तो जो भी मैं मार्किंग्स में यहाँ पे एडिशनल कर रहा हूँ, जो भी चेंजेस करो मैं चाहूँगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर लें, क्योंकि ये जो है मार्किंग्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर लें, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजिंग की मैं बात करूँ 1398 पे क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 1395 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 1418 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनता है आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1380 का, उसके बाद 1366 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1433 का, उसके बाद 1449 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताया है जरूर जो है आप उसी को कंसीडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का यानी मंडे के दिन का ट्रेड ले। मेरा ओपिनियन स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ जरूर यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट का है, लेकिन ज्यादा कोई बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन में एक पॉजिटिव क्लोजिंग मैं जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन 1395 से लेकर 1418 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो कल के दिन देखने मिल सकती है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है यहाँ पे मंडे के दिन हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।